अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमेर जालियावाला है। मैंने पाकिस्तान को क्या कंट्रीब्यूट किया, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अपना नाम मुझे दिया मेरी ज़िंदगी भर के लिए। मैं जहाँ जाऊँगा मैं पाकिस्तानी जाना चाहूँगा और मैं ग्रेटफुल हूँ इस मुल्क के लिए कि उसने मुझे मौका दिया बड़ा होने का, आज़ादी दी सोचने की, जुगाड़ लगाने की और चीज़ें मुमकिन बनाने की। This is a wonderful wall, or I wanted to take a minute out and just talk about this. Jinnah single-handedly Pakistan ka mukadma jeete. Kanuni aitbaar se bahut kam cases haarte the aur maine padha to mujhe ye pata chala ki Jinnah dusri side ki bhi taiyari karke jaate the. Pakistan dusri side sunne mein bhi interested nahi hai, lekin Pakistan ka banane wala dono side janta tha. Mukadma apna ladta tha lekin janta dusra zarur tha. Edi saab मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे। मैंने अपनी ट्रेनिंग करियर का आगाज इदी साहब की कहानी से किया और मैं आपको ये बात बड़े फखर से बताना चाहता हूँ कि मैंने 12 साल हर नई ऑडियंस को इदी साहब की कहानी बताई। व्हाट डज इट टेक फॉर अ मैन कि वो गटर में से जाके लाश निकाले, वो मरते बच्चों के लिए झूला लगा दे। व्हाट डज इट टेक फॉर अ मैन कि वो एक जूता पहन के 30 साल जिंदगी के गुजार दे। दैट्स इदी, द शोदास ऑफ दिस कंट्री। एज इट यू नो, व्हेन मैं हैदराबाद में रहता था वहाँ पे एक लाइन मैं पढ़ता था जाके, मुझे बहुत मुतासिर करती थी फौज, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि दे लेड डाउन देयर लाइव्स सो दैट यू मे लिव, सो दैट आई मे लिव, देयर इज समबडी हु इज प्रोटेक्टिंग अस। भुट्टो साहब, आई वाज फैसिनेटेड, व्हाट डज इट टेक फॉर समबडी टू एंगेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स, एंड दे रिस्पोंडेड टू दिस मैन, अ बॉर्न लीडर, अ स्टेट्समैन। नुसरत अली खान कहते हैं कि जापान का बेहतरीन साउंड स्टूडियो इनकी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि उस मशीन की फ्रीक्वेंसी नहीं थी जिस फ्रीक्वेंसी से खान साहब की आवाज मूव करती थी। फ्रांसीसी लोगों ने कहा ही इज द वॉइस ऑफ पैराडाइज, पाकिस्तान में शहनशाह कव्वाली। द लेडी बिहाइंड द फाउंडर, इट्स सैड व्हाट दिस कंट्री डिड टू हर, बट इट्स फैंटास्टिक हाउ शी सपोर्टेड जिन्ना ऑल थ्रू आउट द स्ट्रगल। मुस्तनसर हुसैन तारण, बचपन में मॉर्निंग शोज खवातीन के तो नहीं होते थे, तारा साहब के होते थे और उसमें एक कार्टून आता था और तारा साहब अपने शो में पेंटिंग्स दिखाते थे बच्चों की। मैंने ऐसे ही जानता था, मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि तारा साहब ने अपनी जिंदगी भर बेशुमार सफरनामे लिखे, अदब के हवाले से काम किया। और हालिया जब मैं नलतर गया तो नलतर में एक ओशू रेस्टोरेंट है और वहाँ पर मुस्तनसर हुसैन तारण एरिया उन्होंने मार्क किया हुआ है, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, तो कहते हैं इस शख्स की किताबों का कमाल था कि पाकिस्तान भर से लोग पहुंच जाते थे इस इलाके में, कोई टीवी नहीं बताता था, ये तारर साहब के सफरनामे बताते थे। एंड बेनजीर भुट्टो, इट्स फैसिनेटिंग कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो दुनिया में बहुत जगहों पे नहीं हो सका, अमेरिका में नहीं हो सका, पाकिस्तान में वजीर आजम एक खातून रही, बेनजीर भुट्टो रही। उनके वजीर आजम होने से हमने ऐसे पॉलिसी शिफ्ट देखे जिन्होंने खवातीन को बहुत हेल्प किया और इस मुल्क में खवातीन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत आगे जा सकी बिकॉज दे हैड अ फीमेल लीडर वॉइसिंग थिंग्स फॉर देम। दिस वॉल एंड ऑल द स्टोरीज, कहते हैं कि किसी शख्स को जानना है तो उसकी कहानियां सुने, उसको तब्दील करना है तो उसकी कहानियां तब्दील कर दें, किसी कौम को जानना है तो उसकी कहानियां सुने। लाखों कहानियां हैं जो कि हम नहीं सुनाते, अगर हम वो सुनाएं तो हम सबका रवैया, हम सबकी सोच और हम सबका कनेक्शन इस मुल्क के साथ शायद वैसा ही हो जैसा पड़ोसियों का होता है या विलायतियों का होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।